मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, दूरे वालों की आवाज को क्या हो गया है? मुझे मालूम है भैया बहुत गर्मी है, मगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अपने भामरे साहब को फिर से संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मैं शिवाजी महाराज का जयकारा लगाता हूं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और बोलिए जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभ्य और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको जिताने की अपील करने के लिए आज मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद और प्रत्याशी श्री सुभाष भामरे जी, राज्यसभा के सांसद अजीत जी गोपछड़े जी, दादाजी भूसे जी, अजय कुमार रावल जी, दिलीप बोरसे जी, राहुल आहेर जी, अमरीश जी पटेल, राज्यवर्धन कदमबांडे, जयप्रकाश जी, गजेंद्र जी, धरती देवेरे जी, अनूप अग्रवाल जी, बबन चौधरी जी, अरविंद जी, राम बदाने जी, बाला साहेब जी, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं धूले शहर की ग्राम देवी एकवीरा माता के मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गुरुद्वारा नानक साहब जी, रोकड़ोबा हनुमान मंदिर, कालिका मंदिर, सिद्धेश्वर गणपति मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आया हूं, तब हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फूले को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। और धूले वालों, आजकल जिनका नाम लेना उद्धव जी ने छोड़ दिया है, वो वीर सावरकर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। आज देश में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, मैं देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव हो रहा है, सभी जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं, अभी 6 बजे का समय है, भारी संख्या में मतदान करकर आप देश को सुरक्षित करने वाली एक सरकार चुनकर भेजिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है 2 खेमों में बटा हुआ, एक ओर नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है, एक ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी है, और दूसरी ओर 23-23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी भाई।
एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड जाकर छुट्टी मनाने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली भी की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर चाय बेचने वाले गरीब के घर में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी। दूल्हे वालों, आप लोगों ने एक दोनों के बीच में चुनाव करना है। मैं आज आपको बताता हूं, भामरे साहब के नाम के सामने 3 नंबर पर जो कमल का निशान है उस पर जब आप बटन दबाओगे भामरे साहब को दिया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अब सीधी बात कर रहा हूं, मुझे बताइए जरा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाते रहे, कोर्ट में उलझाते रहे। अरे एक बार सरकार तो बनाओ, बाकी सब भी हो जाएगा। कोर्ट में उलझाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विशेषकर उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लग रहा है। मैं बताता हूं, हमें वो वोट बैंक का डर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब ने तोड़ा था वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का फिर से महिमा मंडन नरेंद्र मोदी जी करें। भाइयों बहनों, श्रद्धा केंद्रों के पुनरोद्धार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मुझे बताओ दूल्हे वालों, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। खड़गे साहब 80 पार कर गए, आप दूल्हे वाले को नहीं जानते हो। दूल्हे का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान दे सकता है। 70 साल से तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को संभाल कर रखी थी। आपने नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर भारत का
तिरंगा कश्मीर के आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं कि धारा 370 हटी वो ठीक नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे, जरा भी आप में नैतिकता है तो महाराष्ट्र की जनता को बताइए धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 हटाकर आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली, शरद पवार जी वहां कृषि मंत्री थे, आए दिन बम धमाके होते थे, अपने बम्बे को भी दहला कर चले गए। भाइयों बहनों, मोदी जी आए, फिर से उन्होंने गलती की, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? समृद्ध कर सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी 11-11 साल तक देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर रखी, मोदी जी ने 10 साल में अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम कर दिया। और धूले वालों में कहकर जाता हूं, मोदी गारंटी याद रखना, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो, देश को हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, तीसरे नंबर का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास को आगे बढ़ा है। यहां पर कई सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देवेंद्र जी ने बताया है कि पानी की समस्या के लिए ढेर सारा काम धूले में हुआ है। सिर्फ धूले में 3,50,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, कई साले जल प्रकल्प इरिगेशन के प्रोजेक्ट रुके हुए थे, सुलवाड़े जामफल कैनोली सिंचाई योजना, इसके साथ साथ कई सारी सिंचाई योजना को करीब करीब 2500 करोड़ रुपया खर्च कर धूले की पानी की समस्या को हल करने का काम देवेंद्र जी और भामरे जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये धूले जिले में 6 नेशनल हाईवे बनाए, धूले सोलापुर, डोंडाईचा कुसुम्बा मालेगांव, साकरी पिपलनेर, सटाना देवला चांदवड़ और सोनगीर दोंडाईवाड़ा अंकलेश्वर और नागपुर सूरत हाईवे, ये सारे हाईवे धूले में फिर से एक बार जीवंत करने का काम नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में किसान जो कपास उगाता है इसके लिए ऐसी योजना कोई नहीं लाया, देवेंद्र जी ने 4,000 करोड़ रुपया की भावांतर योजना लेके आए हैं कपास के किसानों के लिए। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 4,000 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर होने वाला है। भाइयों बहनों, सीधा ट्रांसफर होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में विकास के लिए लगभग 15,00,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है, परंतु ये उद्धव ठाकरे जी वो जवाब दे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने क्या किया था?
भाइयों बहनों, ये धूले के अंदर ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। 1800 करोड़ का भारत माला प्रोजेक्ट, धूले इंदौर रेलवे मार्ग, धूले दादर रेलवे शुरू कर दी, 6 हाईवे बनाए, 150 करोड़ से धूले के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया और 25,000 आवासों को बनाने का काम धूले में समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब सत्ता के कारण, सत्ता के लोभ में सिद्धांत छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे को 5 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता आतंकी कसाब का समर्थन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या आप कांग्रेस के नेताओं के साथ है? इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को दीजिए। धूले वालों मुझे बताओ, 3 तलाक वापिस आना चाहिए क्या? जोर से बोलो, आना चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ वापिस लाना चाहती है। उद्धव ठाकरे आप जवाब दीजिए, क्या आप इसके साथ हैं? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वीर सावरकर का विरोध करते हैं। उद्धव जी आप बताइए, राहुल गांधी के साथ आप सहमत है क्या? और उदय निधि स्टालिन और उनके साथी सनातन धर्म का विरोध करते हैं। शिवाजी महाराज ने पूरा जीवन हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए न्योछावर कर दिया। ये सनातन धर्म का विरोध स्टालिन एंड कंपनी करते हैं। उद्धव जी इनके साथ हाथ मिला। उद्धव ठाकरे आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए कि आप सनातन के विरोध में इनका समर्थन कर रहे हो या नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछना चाहता, कोरोना का टीका आप सभी को लगा है या नहीं लगा है? जरा लगा है वो दोनों हाथ उठाइए तो जरा मुझे बताओ। 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर कोरोना का टीका दिया ना। मुझे बताओ, कोरोना जैसा कोई संकट देश पर आता है, ये इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी देश को बचा सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बचा सकते हैं क्या? चंद्रमा पर चंद्रयान को पहुंचा सकते हैं क्या? अरे जिसका खुद का लॉन्चिंग राजनीति में 20-20 बार फेल हो गया, वो राहुल गांधी क्या चंद्रयान लॉन्च करेंगे? भाइयों, ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं। ये नक्सलवाद समाप्त कर सकते हैं, ये आतंकवाद समाप्त कर सकते, ये देश को समृद्ध बना सकते, ये गरीबों के घर में गैस, पानी, घर, बिजली, स्वास्थ्य की सेवाएं, मुफ्त अनाज पहुंचा सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये लोग केवल और केवल अपने परिवार के लिए इकट्ठा हुए। मैं इसलिए आप सभी को कहने आया हूं, एक बार 20 तारीख को सभी काम साइड पर रखकर नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाइए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 20 तारीख को भामरे साहब को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और जोर से बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत मन पूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी अंतर्दृष्टि और धूले को।